ये जो चैप्टर है जिसका नाम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है, पहले ये बता दें कि हम लोग पढ़ना क्या चाहते हैं इस चैप्टर में। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास चार शर्ट है और तीन ट्राउजर्स, फोर शर्ट्स। शर्ट्स का नाम है S1, S2, S3, S4 शर्ट्स। ट्राउजर्स का नाम है P1, P2, P3। और हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम कितना तरह से हम अपने शर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक दिन में कोई एक ही पहनेंगे, आज कौन सा पहने, तो चार में से कोई एक, तो आई हैव फोर चॉइसेस। और ट्राउजर कितने तरीका से हम चुन सकते हैं, तो तीन तरीका से चुन सकते हैं। P1 चुन ले, या P2 चुन ले, या P3 चुन ले। चुनते वक्त जो शब्द बोलेंगे ना, स्टेटमेंट, उस पर ध्यान दीजिएगा। हम कितने तरीका से ट्राउजर्स को चुन सकते हैं, तो हम क्या बोले, या हम P1 चुन सकते हैं, या P2, या P3। इंग्लिश में उसको और बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में या बोल रहे हैं। सो आई मे चूज P1 और P2 और P3। तो टोटल कितना चॉइस हो गया, तो हम ऐड कर दिए। अगर हम ऐसा पूछें कि हम कितना तरह से एक शर्ट एंड एक पैंट चुन सकते हैं, अब सुनिएगा ध्यान से, हम अब बोल रहे हैं एंड, देर आर टू वर्ड्स, इस पे स्ट्रेस है मेरा, और एंड। जब भी हम और बोलेंगे हिंदी में, उसको बोलते वक्त या बोलेंगे, और इसको और बोलते हैं। बस इतना ही बात बोलने में सवाल बन जाता है। जैसे हम पूछें कि कितने तरह से आप शर्ट्स को चुन सकते हैं, तो या तो आप S1 चुनेंगे, या S2, या S3, या S4। सो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितना हुआ, तो सबको ऐड कर दीजिए। सो यू हैव फोर चॉइसेस। अब हम पूछ रहे हैं कि हम दोनों में से एक पेयर चुनना है, माने कोई एक शर्ट और एक पैंट। अब कितना तरह का चॉइस है मेरे पास। जैसे हम ऑप्शंस दिखा रहे हैं, हम S1 शर्ट के साथ जोड़ा बना लेते हैं P1 पैंट का, ये एक जोड़ा है। तो S1, P1 इज वन चॉइस, S1, P2 इज अनदर चॉइस। हम कर्ली ब्रैकेट में अपने एक एक सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन या चॉइस, एक ही मीनिंग का तीन शब्द है। हम दो तरह का सवाल यहां डिस्कस कर रहे हैं। पहला कि इन चार में से कोई एक शर्ट चुनने का कितना तरीका था मेरे पास, इनमें से कोई एक पैंट चुनने का कितना तरीका था मेरे पास, और अब पूछ रहे हैं कि एक इसमें से एंड एक इसमें से चुनने का कितना तरीका है मेरे पास। पहला सवाल, जब इसमें से सिर्फ एक शर्ट चुनने का बात था, तो दीज वर माय चॉइसेस, एक सेट के रूप में दिखा रहे हैं, एक चॉइस, दूसरा चॉइस, तीसरा और चौथा। कुल कितना चॉइस है मेरे पास, हमको उसी संख्या से मतलब है। हम नहीं चाहते हैं कि आप हमको लिख के दिखाएं दीज पॉसिबल चॉइसेस, हमको गिनती करके बता दीजिए कैट हो। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आप यही सीखते हैं, द आर्ट ऑफ काउंटिंग, यही सीखना है। और इसका जो फंडामेंटल रूल है काउंटिंग का, मैंने जोड़ना है ना, ये विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, कुल कितना विकल्प है मेरे पास, सबको ऐड करके बताना है। तो एडिशन दो ही तरीका से हो सकता है, या तो इस सिंबल का इस्तेमाल करके, या इस सिंबल का इस्तेमाल करके, गुणा। गुणा इज ऑल्सो एडिशन। 2×3 जब लिखते हैं, तो आप एक्चुअली दो और दो और दो तीन बार एड करते हैं। सो देर आर ओनली टू फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। जैसे अभी हम पूछे पहला सवाल, तो उसमें आप जवाब दिए, सब चॉइसेस को ऐड कर दिए, 1+1+1, और जवाब दे दिए चार चॉइस। अभी जो सवाल है, दोनों में से एक एक चुन के बताइए कितना चॉइसेस है हमारे पास है, एक चॉइस, दूसरा चॉइस, S1, P3,
इसी तरह से S2, P1, ये शर्ट ये पैंट ये शर्ट ये पैंट ये शर्ट, तो सबको हम नहीं चाहते हैं कि आप हमको लिख के बताइए चॉइसेस, हमको गिनती करके बता दीजिए यहां पे कैट हो आए, बिना लिखे गिनती करिए, यही हम लोग को सीखना है इस चैप्टर में। सारा चॉइसेस जब लिख देंगे तब तो गिनती करने में कहां कुछ रह जाएगा, क्योंकि तब तो है ये चॉइस या ये चॉइस या ये चॉइस, जब भी या हो आपके वाक्य में तो समझिए कि सबको ऐड करना है, कुल लिखना। हम चाहते हैं कि लिखे ही नहीं और जवाब दे दे, तो कैसे संभव है। शर्ट चुनने का कितना तरीका है आपके पास, इस जो सेट लिख रहे हैं एक सेट में एक चॉइस, यहां दो रिक्त स्थान समझिए कि है डैश डैश, इन स्थानों को भरना है, इस स्थान में शर्ट डालेंगे और इस स्थान में एक पैंट, तो इस स्थान को भरने का कितना तरीका है आपके पास, तो इनमें से कोई एक दिस या दिस या दिस, तो चार तरीका है, ऐड कर दिए चार। और इस स्थान को भरने का कुल कितना तरीका है आपके पास, तो फिर आप ऐड किए दिस पैंट और दिस पैंट और दिस पैंट और तीन, तो इस कॉम्बिनेशन का कितना तरीका आपके पास है, तो अभी हम लोग देखे हैं उसी से सीख करके अपना हम लोग उपाय ढूंढ रहे हैं। अगर आप इस स्थान को S1 से भर देते हैं एक शर्ट से, तो आपको तीन पॉसिबल विकल्प है S1, P1, S1, P2, S1, P3, फॉर एवरी चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर शर्ट यू हैव थ्री चॉइसेस फॉर पैंट्स, एंड शर्ट के लिए कुल कितना चॉइस है, तो चार। सो द आंसर शुड बी 4 times 3। तो जब भी आपको एंड बोले, जैसे हम लोग इसी सवाल को अभी लिखेंगे नहीं सीधे बताएंगे, जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि आपको दो चॉइस को मिला करके एक चॉइस करना है, आपका क्वेश्चन देखिए ऐसे है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस दैट कैन बी मेड, यू हैव टू चूज वन शर्ट एंड वन पैंट। तो जैसे ही बीच में एंड आएगा आप दोनों चॉइसेस को गुना करके आंसर लिखेंगे। केवल आप जब सवाल को पढ़िएगा ना, आपके बोलते वक्त ही जब मुंह से आपके या निकलेगा, तो समझ जाइएगा कि हमको सभी चॉइसेस को ऐड करना है। और जब भी मुंह से एंड निकलेगा कि शर्ट चुनने का इतना तरीका है एंड अब उसके बाद पैंट चुनने का एक, आप उल्टा ही बोल सकते हैं, पैंट चुनने का कुल तीन तरीका है एंड उसके बाद शर्ट चुनने का कुल चार तरीका है। तो जब भी एंड सुनेंगे क्वेश्चन में तो मल्टीप्लीकेशन करना है। सो देयर आर ओनली टू फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग, या तो आपको सारा चॉइसेस को ऐड करना होगा या सभी चॉइसेस को मल्टीप्लाई करना। एक ग्रुप है ऑफ 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स, यानी टोटल 50 लोग हैं, आपको इनमें से एक ग्रुप लीडर चुनना है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लड़का को चुनिएगा या लड़की को चुनिएगा, आपको जिसको चुनना है चुन लीजिए एक ग्रुप लीडर। तो कितना तरह से आप चुन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस यू हैव, या तो इस ग्रुप में से कोई को चुन लीजिए या इसमें से चुन लीजिए, एंड नहीं है, दोनों में से कोई, यानी कुल 50 विकल्प है आपके पास, B1, B2, B30 नाम दे दे बॉयज का, G1, G2, G20 नाम दे दे गर्ल्स का, एनी वन ऑफ देम को आप चुन सकते हैं। सो यू हैव 50 चॉइस। इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज कैन अ ग्रुप लीडर बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस लॉ, द आंसर इज 50। लेकिन अगर हम पूछे कि इस ग्रुप में से हमको दो लोग को बनाना है ग्रुप लीडर, एक लड़का में से कोई एंड एक लड़की में से कोई, बस जैसे ही आप इस फंडामेंटल रूल को सीखेंगे ना, अब आपको लिखने का जरूरत नहीं है चॉइसेस,
जैसे हम चॉइस बता सकते हैं ग्रुप लीडर का, लिखने के लिए कह दें B1 G1 इज वन चॉइस, B1 G2 B1 G3 B1 G4 B1 डॉट 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 B1 G20 20 विकल्प हो गए। B2 G1 B2 G2 B2 G3 B2 G4 20 और हो गया। फॉर एवरी वन पर्टिकुलर चॉइस फ्रॉम दिस लॉट देर आर 20 पॉसिबल चॉइसेस और इसमें टोटल 30 चॉइसेस है, सो द आंसर शुड बी दिस टाइम 630 मल्टीप्लाइड बाय। एक कोई पॉइंट है ए, कोई दूसरा पॉइंट है बी और एक तीसरा पॉइंट है सी। हम यहां से सी तक जाना चाहते हैं। ए से बी तक जाने के लिए देर आर 3 पॉसिबल वेज, 3 सड़क है, हम इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। और बी से सी तक जाने का 2 रास्ता दिया हुआ, तो हमको अगर ए से सी जाना है, इन सड़कों का कुछ नाम हम रख दें S1, S2, S3, R1 और R2, तो बताइए कितना तरह से हम जा सकते हैं ए से सी तक। जैसे हम S1 फॉलोड बाई R1, इन 3 में से कोई एक चुनेंगे एंड उसके बाद हम उन 2 में से कोई एक रास्ता चुनेंगे। आप ऐसे ही ना बोलिएगा, आप बोल के देखिए, जैसे ही आप एंड बोलना सीख गए या और बोलना सीख गए, बस ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। फंडामेंटल सही है, हम इसके बाद कुछ कुछ फॉर्मूलाज और बनाते चले जाएंगे, ढेर सारा सवाल डिस्कस करेंगे टू मेक आवरसेल्व्स मोर कंफर्टेबल, बट एक मैथमेटिशियन के लिए बस यही है मूल जो भी बोल गए। अगर हम पूछेंगे ए से बी जाने का मेरे पास कितना चॉइसेस है, तो आंसर इज या तो ये सड़क या ये सड़क या ये सड़क, मतलब 3 विकल्प है मेरे। बी से जाने का कितना विकल्प है मेरे पास, 2 विकल्प। ए से सी जाने का कितना विकल्प है, तो द आंसर इज 3 × 2 = 6। और कोई कहे कि जरा हमको ये समझा दो, तो समझा देंगे लिख के S1 फॉलोड बाई R1, ये एक तरीका है ए से सी जाने। S1 फॉलोड बाई R2 ये दूसरा तरीका है, कर्ली ब्रैकेट में लिख करके अपने चॉइसेस को लिख के दिखा देंगे, ऑल द 6 चॉइसेस लिख देंगे। अब S2 R1, S2 R2, S3 R1, S3 R2, दीज आर दी 6 पॉसिबल वेज। अगर हम पूछे होते कि ए से बी जाना है और फिर वापस ए आना है, सी नहीं जाना है, अब बताइए कितना तरीका मेरे पास है। घर से चले बी तक गए, अब बी से वापस घर आए, हाउ मेनी वेज कैन आई डू दिस। ए से बी तक जाने का मेरे पास चॉइस है 3, इनमें से कोई एक, एंड बी से वापस ए लौटने का मेरे पास 3 विकल्प। गए S1 से लौटे S1 से, ये एक तरीका, गए S1 से लेकिन लौटे S2 से, गए S1 से लौटे S3 से, वगैरह वगैरह 9 तरीका है मेरे पास। और 9 तरीका हम लिख देंगे अगर बोलिएगा, बट अभी हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि सिर्फ कुल कितना तरीका है, जवाब दे दीजिए बिना कलम उठाए। दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, द रूल्स ऑफ काउंटिंग विच ओनली इन्वॉल्व एडिशन या मल्टीप्लीकेशन। चैप्टर शुरू करने के पहले कुछ एक नया मैथमेटिकल सिंबल हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर, जिसके बारे में एक बार विस्तार से पढ़ेंगे जब एक और चैप्टर पढ़ते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसमें हम इस सिंबल के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे, पर अभी हम संक्षेप में बता देते हैं जितना आवश्यक है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। 2 नया सिंबल है, एक ऐसा जिसको हम n फैक्टोरियल बोलते हैं, इस सिंबल को n फैक्टोरियल ऐसे पढ़ते हैं, इसका एक ऐसा सिंबल भी है, इस तरह से लिखेंगे तो फैक्टोरियल n पढ़ेंगे और इस तरह से लिखेंगे तो n फैक्टोरियल पढ़ेंगे। ये एक्सक्लेमेशन मार्क वाला जो सिंबल होता है वही यूज, और इसका क्या मतलब होगा, तो मतलब यहां लिखें n फैक्टोरियल का मतलब n इंटू n, यहां एक नेचुरल नंबर है, यानी 7.2 फैक्टोरियल ऐसा नहीं बोलेंगे,
हम जब बोलेंगे 6 factorial तो हम मीन कर रहे होंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यही मीन कर रहे हैं। 4 factorial मीन कर रहे होंगे 4 × 3 × 2 × 1 अगर हम कहीं लिखेंगे 6 factorial divided by 4 factorial तो ऊपर में 6 से लेके 1 तक और नीचे में 4 से लेके 1 तक जब काटिएगा तो 6 × 5 बच जाएगा। ये एक सिंबल हम लोग यूज करेंगे। यहां n फैक्टोरियल का डेफिनेशन लिख दिया है, n मल्टीप्लाइड बाय उससे एक छोटा वाला नेचुरल नंबर n-1 फिर n-2 डॉट डॉट डॉट। ये जो डॉट सिंबल है अगर हम दो रियल नंबर के बीच में डॉट लिखते हैं नीचे और दो रियल नंबर के बीच में डॉट लिखते हैं ऊपर उठा के बीच में एकदम, तो ये डेसिमल है 5.3 लिखे हैं विच मीन्स 5 + 3/10। अगर हम 5.32 लिख दें तो इट मीन्स 5 + 3/10 + 2/100। और यहां जब बीच में लिखेंगे नीचे नहीं थोड़ा ऊपर उठा के बीचों बीच तो उसका मतलब होगा 5 × 3 लिखा हुआ है तो बीच में डॉट है, ये नीचे करके डॉट नहीं बीच में, विच मीन्स प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को कहेंगे n फैक्टोरियल। और एक सिंबल बना रहे हैं ncr बोलते हैं इसको, c है लेफ्ट हैंड साइड ऊपर उठा के लिखेंगे सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, नीचे लिखते हैं तो उसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो हम लेफ्ट में सुपर स्क्रिप्ट पोजिशन में लिखे हैं एक नेचुरल नंबर n बड़ा सा कैपिटल C और राइट हैंड साइड सबस्क्रिप्ट पोजिशन में लिखे हैं R और इसको पढ़ेंगे ncr। और ncr का मतलब क्या लिखे हैं, ncr का मतलब न्यूमरेटर में है n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल गुने n-r फैक्टोरियल। अभी n-r भी एक नेचुरल नंबर है, r भी नेचुरल नंबर, n भी नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि फैक्टोरियल जो हम लोग डिफाइन किए हैं सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए किए हैं, -2 factorial वी हैव नॉट डिफाइंड एनी सच थिंग। 2 factorial, 3 factorial नेचुरल नंबर्स का फैक्टोरियल तो ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। यानी हमारे डेफिनेशन के अनुसार यहां जो r नाम का क्वांटिटी है वो n से छोटा होना चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन r, नहीं तो ये मीनिंगलेस बात। हम अगर लिखते हैं 7c3 तो हम मीन कर रहे होंगे 7 factorial, वी नो व्हाट दिस इज, डिवाइडेड बाय 3 factorial, वी नो व्हाट दिस इज, मल्टीप्लाइड बाय 7-3, 4 factorial, यही हम मीन कर रहे होंगे। इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, 7 factorial को लिख दें अब 4 factorial को तो कुछ कैंसिल आउट होकर के न्यूमरेटर में बचेगा 7 × 6 × 5 × बाकी वाला सब 4 factorial से कैंसिल आउट कर जाएगा। डिनोमिनेटर में बचेगा 3 factorial यानी 1 × 2 × 3 या 3 × 2 × 1 लिख सकते। इसको ठीक से देखिए, अगर हम 17c4 का वैल्यू पूछें कितना होगा तो ऊपर में 17 factorial डिवाइडेड बाई 4 factorial गुणे 17 − 4, 13 factorial। 17 factorial को कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे 13 factorial है तो बहुत सारा नंबर्स कट जाएगा। क्या बचेगा 17 × 16 × 15 × 14, बस आगे वाला सबको हम कलेक्टिवली इतना लिख सकते हैं और काट सकते हैं। और नीचे में 1 × 2 × 3 × 4। कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये डेफिनेशन है एनसीआर का, पर जब हम एनसीआर का वैल्यूज कभी कैलकुलेट करना हो और एनी पर्टिकुलर एन एंड एनी पर्टिकुलर आर, तो कैलकुलेट करते वक्त यहां 17c4 था तो डिनोमिनेटर में 1 × 2 × 3 × 4, यहां पे 3 था तो 1 × 2 × 3 आया,
न्यूमरेटर में तीन टर्म आया, तीन था 7, 6, 5, तीन टर्म के बाद आप रोक दिए, यहां पे चार टर्म के बाद रोक दिए, 17, 16, 15, 14, बस आगे नहीं लिखे। अगर हम लोग इस बात को रियलाइज कर गए, अब अगर हम कहें कि 18C5 का वैल्यू बताइए, तो नीचे में 1 × 2 × 3 × 4 × 5 लिख देंगे। ओरिजिनल डेफिनेशन के अनुसार हम लोग लिखना अब जरूरी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हम समझ गए हैं कि कैंसिल आउट करेगा। यहां न्यूमरेटर में 18, 17, 16, 15, 14 पांच टर्म लिख के रोक देंगे। ये हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए बता रहे हैं, डेफिनेशन नहीं है, बट फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। अगर हम यहां पे 17 लिख दिए, तो 17C1, 17C2 ये सब मीनिंगफुल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं। अगर हम 17C-3 लिख दिए, नाउ इट इज मीनिंगलेस। ये नेचुरल नंबर से लिखना है, डॉट 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 17C17 कॉमा तक लिख सकते हैं, 17C18 नहीं लिख सकते, नाउ इट इज मीनिंगलेस, क्योंकि तब इसका मतलब डेफिनेशन के अनुसार हो जाएगा 17 factorial / 18 factorial गुणे 17 - 18 यानी -1 का फैक्टोरियल, विच इज मीनिंगलेस। यानी हम 17C17 तक जा सकते हैं, और क्या 17C17 तक जा सकते हैं कि नहीं वो भी चेक कर लें। अगर 17C17 लिखेंगे तो उसका मतलब होगा 17 factorial / 17 factorial गुणे 17 - 17 0 factorial। अब 0 के लिए डिफाइन हम लोग किए तो अभी तक नहीं है फैक्टोरियल को, हम फैक्टोरियल को डिफाइन किया आपको कह करके कि नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। अब 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स के लिस्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह वगैरह, 0 को हम लोग इंक्लूड नहीं किए हैं इन दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। लेकिन हम लोग यहां पे 0 factorial को भी डिफाइन कर रहे हैं। हम लोग 0 factorial जब लिखेंगे तो आपको समझना है कि हम 1 लिखे हैं। 1 factorial का वैल्यू भी 1 है, 2 factorial का वैल्यू तो 2 × 1 = 2 है, 3 factorial का वैल्यू 3 × 2 × 1 = 6 है। 0 factorial को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं अपने डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल में, बट अगर इस डेफिनेशन में 0 factorial डालिएगा तब तो 0 आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, और अलग से एंड 0 factorial को हम लोग अलग से डिफाइन कर दे रहे हैं एज वन। अब ये मीनिंगफुल हो गया, और 17C0 भी मीनिंगफुल हो गया। 17C-1 मीनिंगलेस है, 17C18 भी मीनिंगलेस है। यानी ऊपर में अगर यहां n लिखा है तो यहां r का जो वैल्यूज होना चाहिए, r कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 to n, और हम लोग को इन सब का वैल्यूज कैलकुलेट करने आना चाहिए। निकाल के देखते हैं, 17C0 का 17 factorial / 0 factorial गुणे 17 - 0 factorial, इसको हम लोग 1 चूज कर लिए हैं बाय डेफिनेशन, तो इसीलिए ये 1 हो गया। एनीथिंग C0 का वैल्यू 1 होना ही है, क्योंकि ये n फैक्टोरियल होगा, डिनोमिनेटर में 0 factorial और एक n फैक्टोरियल, तो ये हमेशा 1 ही होगा। 17C1 का वैल्यू होगा 17 factorial / 1 factorial गुने 17 - 1 = 16 factorial, यानी कि सिर्फ 17 बचेगा। NC1 का वैल्यू हमेशा n होता है। 15C1 का वैल्यू पूछें तो तुरंत आप 15 बोलेंगे, 17C2 पूछेंगे तो 17 × 16 दो ही टर्म लिखेंगे, और नीचे में 1 × 2 है। NC2 का वैल्यू n × n-1 दो टर्म डिवाइडेड बाई 2 factorial, ऊपर में था ना n factorial / 2 factorial,
बोले n माइनस टू फैक्टोरियल, इसको हम एक्सपेंड करें n इंटू एन माइनस वन इंटू आगे वाला सब टर्म्स को हम कलेक्टिवली लिख दें जो कि कैंसिल आउट कर दें, तो इतना बचेगा। और एन सी थ्री का वैल्यू n इंटू एन माइनस वन इंटू तीन टर्म लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि कैंसिल आउट कर जाएगा डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर में थ्री फैक्टोरियल। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है एनसीआर का, इसका वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं अंत तक। 17C17 का वैल्यू 17 फैक्टोरियल बटे 17 फैक्टोरियल गुने 17 माइनस 17 जीरो फैक्टोरियल विच इज अगेन 1। 17C16 का वैल्यू उससे एक पहले वाला टर्म 17 फैक्टोरियल बटे 16 फैक्टोरियल गुने 17 माइनस 16। 17C1 का वैल्यू जब कैलकुलेट कर रहे थे तो 17 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल था गुने 17 माइनस 1 का फैक्टोरियल था। जरा गौर से देखिए दोनों को। 17C2 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और 17C15 का वैल्यू, तो इसका वैल्यू था 17 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल, इसका होगा 17 फैक्टोरियल बटे 15 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बस केवल पोजीशन पलट जा रहा है डिनोमिनेटर में। इन दोनों क्वांटिटीज का जो सम है वो n है, r और n माइनस r को जोड़ के n आ रहा है। तो यहां जब 2 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो यहां 15, जब यहां 3 फैक्टोरियल लिखिएगा तो 14, तो आगे 17C14 जब लिख रहे होंगे तो उसका लिख रहे होंगे 17 फैक्टोरियल नीचे में 14 फैक्टोरियल गुने 3 फैक्टोरियल। यानी एक बहुत सुंदर एक रिजल्ट हम लोग ऑब्जर्व कर लिए, अभी एनसीआर के बारे में हम लोग ऑब्जर्व किए। इसका वैल्यू सेम होगा, इसका वैल्यू सेम होगा, इसका और इसका सेम होगा। यानी एनसीएक्स और एनसीवाई का वैल्यू सेम होगा अगर एक्स प्लस वाई का वैल्यू n के बराबर हो। 17C1 और 17C16 का वैल्यू सेम होगा अगर 16 और 1 का सम 17 के बराबर है। 17C2, 17C15, 17C3, 17C14। हम लोग जो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे ना, इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका 17 उससे बड़ा आता है, इसका 17 इंटू 16 बटे 2 136, उधर से वैल्यूज E1 फिर 17 उससे बड़ा होगा ये 136, फिर अगला उससे बड़ा, इधर से वैल्यूज निकालते जाइए बढ़ता जाता है फिर वैल्यूज घटने लगता है। एक पर्टिकुलर बीच में कोई स्थान होगा जहां पे वैल्यू जाके पीक होगा, कौन स्थान होगा उसको देख लेंगे। जरा पहले इस प्रॉपर्टी को हम लोग जरा हमेशा के लिए सीखिए। NCX का वैल्यू और NCY का वैल्यू बराबर दो ही केस में हो सकता है, या तो X बराबर हो Y के तब तो कोई बात ही नहीं है, माने आप 17C2 और 17C2 का वैल्यू बराबर हो, या X प्लस Y का वैल्यू अगर 17 के बराबर, इन दो सिचुएशंस में वैल्यू सेम आए। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी बात को, कि NCR एनी आर, यहां आर के बारे में हम जानते हैं कि जहां एन लिख रहे हैं तो यहां आर के स्थान पे जीरो से लेके एन के बीच में कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो NCR का वैल्यू और NCN माइनस आर का वैल्यू निश्चित रूप से बराबर होगा। देखिए दोनों का सम एन के बराबर है, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बोथ आर सेम स्टेटमेंट्स रिटन इन टू डिफरेंट मैनर्स। अभी हम आपको एनसीआर का प्रॉपर्टीज ढेर सारा है, हम सारा नहीं अभी लिस्ट बनाएंगे, कुछ का बनाएंगे जो हमको आवश्यकता है इस चैप्टर में। इसको देखिए कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा होगा। हम ये तो समझ गए मिरर इमेज जैसा है, इसका वैल्यू उसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू सेम है, बढ़ता जा रहा है, ये तो समझ गया कि ठीक बीचों बीच होगा, बीच कौन है,
टोटल कितना यहाँ टर्म्स है, 18 टर्म्स है, 17C1 से लेके 17 तक, ये 17 हो गया, एक 17C0, सो देयर आर इन टोटल 18 टर्म्स हियर। तो 18 का बीचों बीच तो हो नहीं सकता, जैसे 5 टर्म होता A1, A2, A3, A4, A5, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो बीचों बीच एक टर्म होता। लेकिन इवन नंबर ऑफ टर्म्स जब होगा A1, A2, A3, A4, A5, A6, अब बीचों बीच हो नहीं सकता है, बीचों बीच दो हो सकता है, दो लोग को हम कह सकते हैं बीचों बीच। तो यहां कुल इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो असल में यहां पे दो टर्म ऐसा है जिसको हम बीचों बीच कहेंगे, और दोनों का वैल्यू सेम है। 17 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक नंबर आया 8.5, बस। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल लीजिए, 8.5 का इंटीग्रल पार्ट 8 होता है। अब इसका जो बीचों बीच टर्म है, देर आर टू टर्म्स, एक 17C8 और एक 17C9, दोनों वैल्यू बराबर होगा, 8 प्लस 9 17 है, सो देर आर टू टर्म्स जिनका वैल्यू सेम होगा, 17C8 एंड 17C9, यही ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, ये बोल दीजिए चाहे ये बोल दीजिए, दोनों बराबर है। यही अगर हम 16CR का वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे होते, स्टार्टिंग फ्रॉम 16C0, 16C1, 16C2 डॉट डॉट डॉट, 16C14, 16C15, 16C16, अब यहां पे 17 टर्म है, अब इसका एक बीचों बीच टर्म होगा, कौन, बस 16 को 2 से भाग दे दीजिए, इस केस में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो एक इंटीजर आ जाएगा, दिस इज द आंसर। यानी कि इसका जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो 16C8। यानी कुल मिलाकर के हम अगर इन सब को समाप्त करें, NCR का वैल्यू इक्वल टू NCN-R के बराबर होगा। हम प्रॉपर्टीज कुछ लिख रहे हैं, सारा नहीं लिखेंगे, वो बाइनोमियल एक्सपेंशन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। एक दूसरा लिख रहे हैं, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ NCR विल बी इक्वल टू N, अगर इवन नंबर है जिसे 16, तो बस N को 2 से डिवाइड कीजिए और NCN/2, R के जगह N/2 डाल दीजिए। अगर N इवन है तभी ना डिवाइड होगा 2 से और एक इंटीजर आएगा, और अगर N ऑड है तो देर आर टू टर्म्स, N/2 निकाल के उसका इंटीग्रल पार्ट ले लीजिए, और NC इंटीग्रल पार्ट ऑफ N/2 प्लस 1, दो टर्म, बोथ विल बी इक्वल इफ N इज ऑड। हम चाहे जैसे भी लिखे हो इस बात को, बात समझना जरूरी है। हम जैसे ही पूछेंगे 15CR का ग्रेटेस्ट वैल्यू बता दीजिए, R के जगह क्या डालें ताकि इसका वैल्यू ग्रेटेस्ट आए, एक फंक्शन के रूप में ट्रीट कीजिए, एक फंक्शन जिसमें R के स्थान पे, R इज द वेरिएबल, R कैन टेक ओनली वैल्यू 0, 1, 2, 3 डॉट 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 15, इतने वैल्यूज के लिए हम इस फंक्शन को डिफाइन किए, बताइए इसका ग्रेटेस्ट। आपको वैल्यूज डाल डाल के नहीं अब निकालना है, हम लोग समझ गए हैं कि 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा 15C7 और 15C8, दोनों बराबर होगा, दोनों में से कोई एक ही जवाब देते हैं। और यही अगर हम 20CR का ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछे अमंगस्ट ऑल दी वैल्यूज, 20C0, 20C1, 20C20, द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 20C10, बस भाग देना था 20 को 2 से। एक और बात, उसको हम लोग अभी प्रूव नहीं करेंगे, अगर हम इन सबको कहें कि ऐड कर दीजिए 17C0 से शुरू करके और 17C17 तक सभी टर्म्स को ऐड करके बता दीजिए कितना होगा, ये हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ते वक्त साबित कर पाएंगे कि इसका वैल्यू 2^17 के बराबर आता है। एक्चुअली अगर हम कैलकुलेट करें इसका वैल्यू 1, इसका 17, इसका 17 इंटू
16 बटे 2 फैक्टोरियल प्लस 17 इंटू 16 इंटू 15 बटे 3 फैक्टोरियल, जिसको 6 लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 17c8 तक लिखना है, इसी को दुगुना कर देना है क्योंकि उसके बाद वाला टर्म्स तो सेम आ जाए। तो इसका वैल्यू कितना आएगा सम अप करने पर, हम लोग इस बात को प्रूव करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में। अभी हम लोग रटेंगे इस बात को, यानी कि कभी ऐसा कोई पूछे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 NCR का जितना पॉसिबल एक्सप्रेशन संभव है, N प्लस 1 एक्सप्रेशन संभव है, R के जगह 0 से लेके N तक सबको हम जोड़ दें NCN तक, तो ये कितना के बराबर आएगा। या हम इसको संक्षेप में ऐसे लिखें, सिग्मा NCR, R वेरीज फ्रॉम 0 टू N, हम उसी सीरीज को संक्षेप में हम लोग ऐसे लिखते हैं, सीरीज का एक टर्म खाली लिख देते हैं, सारा टर्म नहीं लिखते, इसको हम लोग जनरल टर्म बोल दें, और उसमें जो वेरिएबल है उसका वैल्यूज कितना से कितना के बीच में वैरी करना है वो लिमिट्स लिखते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग अभी सिर्फ रट रहे हैं विदाउट प्रूविंग 2 raised to the power of n, मतलब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c5 तक का सम पूछे कि कितना होगा, तो आपको ये फॉर्मूला रटा हुआ हो और आप झट से बोलेंगे 2 raised to the power 5, यानी कि 32। अगर हम पूछें कि इसका वैल्यू बताइए 5c1 से लेके 5c5 तक, तो 32 में से एक घटा देते हैं 5c0 का वैल्यू जो कि 1 है, यानी तब आंसर 31 लिख देंगे। ये हम एक्सपेक्ट करेंगे आपसे जब सवाल बनाते वक्त आवश्यकता होगा। लेट्स गेट बैक टू परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। दो ही रूल है हम लोग समझ चुके हैं, जब भी कहेंगे जोड़ के बता दीजिए कितना तरीका है मेरे पास कोई एक काम करने का, तो हम या तो ऐड करके बताएंगे, विभिन्न तरीकाओं को ऐड कर देंगे, या हम गुना करेंगे। एक सिचुएशन है जिसमें कि दो लोग हैं और उनको दो कुर्सी है, इनको बैठाना है, कितने तरह से बैठा सकते हैं। यहां समझ लीजिए क्लास में दो चेयर लगा दें, यहां दो लोग आने वाले हैं उनको हमको सीट करना है, तो हम ए को यहां बैठा दें बी को यहां, ये एक तरीका है उनको बैठाने का, और बी को यहां बैठा दें ए को वहां, मेरे पास दो तरीका है इन लोगों को बैठाने का। इसको अब हम लोग अपने फंडामेंटल रूल से सोचें, इस स्थान को भरने का मेरे पास कितना तरीका है, एक एक करके ना भर रहे हैं आप। पहले मान लीजिए कि हम इस स्थान पे किसी को बैठा देंगे एंड उसके बाद हम दूसरे स्थान पे किसी को बैठाएंगे, तो इस स्थान पे बैठाने का मेरे पास कितना तरीका है इस स्थान को भरने का। या तो हम इनको बोल दें कि आप बैठ जाइए, या उनको बोल दें कि आप बैठ जाइए, इस स्थान को भरने का मेरे पास दो तरीका है, और इस स्थान को भरने का अब उसके बाद दूसरे स्थान को भरेंगे। हम जो कुछ भी करना है ना, हमको एक काम करना है, दो लोगों को बैठाना है, इस काम को हम करेंगे वन काम फॉलोड बाय अनदर काम। तो पहला ये काम है कि हम इस स्थान को भरें, तो जब हम इस स्थान को भरने का मेरे पास दो तरीका है, ए या बी में से कोई एक बैठा सकते हैं, तो हम ऐड करके दो तरीका बोल, एंड अब इस स्थान को भरने का कितना तरीका मेरे पास है, अब इनमें से कोई एक तो वहां बैठ चुका है, अब एक ही बचा हुआ है, तो अब इस स्थान को भरने का मेरे पास एक ही तरीका है। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन सीट दीज टू पीपल इज 2 times 1, बीच में एंड बोले थे, आंसर इज 2। अगर हम इस सवाल को एक्सटेंड करें कि ए बी सी तीन लोग को बैठाना है, 3 कुर्सी, हम सारा लिख के भी दिखा देंगे कि कितना, पहले गिनती करके दिखाते हैं आपको फंडामेंटल रूल से, इस स्थान को भरने का मेरे पास कितना तरीका है, ए को बैठाने के लिए बोल दें बैठने के लिए, या बी को या सी को, यानी 3 तरीका से हम इस स्थान को भर सकते हैं।
अब किसी एक को मान लीजिए बैठा दिए, अब इस स्थान को भरने का कितना तरीका है मेरे पास, तो जो रिमेनिंग टू है उनमें से किसी एक को बैठने के लिए बोलेंगे हम दो तरीका से, और अब इस स्थान को भरने का कितना तरीका है, अब एक बच्चा है उसी को एक ही तरीका है, यानी आंसर होना चाहिए 3 × 2 × 1, यानी टोटल 6 तरीका होना चाहिए। लेट अस चेक, चलिए हम इस स्थान को ए से भर दिए, अब हम इन दोनों स्थानों में बी को यहां रख सकते हैं, सी को यहां, या सी को यहां बी को यहां, दो तरीका हो गया। अगर हम ए को यहां रखते हैं और बी और सी को इन दोनों स्थानों पर एडजस्ट करते हैं तो मेरे पास दो तरीका था। अगर हम इस स्थान पे बी को बैठाए होते तब बचता ए और सी, उन दोनों को इन दोनों स्थान पे अरेंज करने का तरीका दो था, जो हम लोग पहले ही देखे थे, दो लोग को दो स्थान में म्यूचुअली कितना तरह से हम अदला बदली करके बैठा सकते हैं, उसको मैथमेटिक्स में अरेंजमेंट बोलते हैं, अरेंजमेंट, अरेंज करना, सरियाना। तो हम पहले ही देखे थे, मान लीजिए क्वेश्चन होता है एक स्थान एक व्यक्ति, कितने तरह से आप उसको सरिया सकते हैं, वहां पे अरेंज कर सकते, एक ही तरीके से। फिर हम लोग उसको बढ़ाए कि अगर दो स्थान है, दो लोग को सरियाना है वहां, अरेंज करना, तो हम लोग देखे कि 2 × 1, जिसको हम 2 factorial बोल रहे हैं, इतने तरीका से हम आपस में इन लोग को अदला बदली करके सजा सकते हैं जब दो लोग थे। अब हम देखना चाहते हैं कि जब तीन स्थान तीन लोग हैं, अब इनको आप यहां नहीं यहां बैठ जाइए, आप यहां बैठ जाइए, आप वहां बैठ जाइए, आपस में अदला बदली कर रहे हैं इनके स्थानों को, कुल कितना तरह से हम अरेंज कर सकते हैं इन तीनों के बैठने के तरीके को, तो वो हम अभी देख रहे हैं कि जब तीन लोग हैं तो हम टोटल 6 आंसर आ रहा है, 3 × 2 × 1, 3 factorial आंसर आ रहा है। हम आपको यहां समझाना चाह रहे हैं, जैसे हम एक को यहां पे बोल दिए कि बैठ जाइए, तो फॉर दैट पर्टिकुलर चॉइस अब हम बी सी को अदला बदली कर सकते हैं 2 factorial तरीकों से, यानी दो चॉइस हो गया। अगर हम बी को यहां बोले होते बैठने, फिर दो, फिर तो चूंकि इस स्थान को भरने का मेरे पास तीन तरीका था, ए से या बी से या सी से, एंड फॉर एनी वन चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, अब बाकी दोनों स्थानों को भरने का मेरे पास 2 factorial तरीका था, तो 2 factorial को 3 से गुना किए, अब 3 factorial तरीका हो गया। इसको एक्सटेंड कर दीजिए, अगर 4 लोग हो, ABCD 4 स्थान हो जिनमें इनको बैठाना है, माने आप यूं समझिए कि हम बैठा दिए, आप इनको अदला बदली करके इधर आप उधर आप उधर, कितना कुल तरीका से आप इनको अरेंज कर सकते हैं, तो इसको सोचना वैसे ही है। हम किसी एक स्थान से शुरू कर रहे हैं, हम एक्सट्रीम राइट से शुरू कर रहे हैं कि इस स्थान को भरने का मेरे पास कुल कितना विकल्प है, 4, 4 में से कोई एक को वहां रख सकते, और किसी एक पर्टिकुलर चॉइस को रख दिए, अब बाकी इस स्थान को भरने का कितना तरीका मेरे पास है, 3 लोग बचे हैं, उन्हीं में से किसी एक को दिस या दिस या दिस, 3 तरीके। और अब जब किसी एक को यहां रख देते तो अब इस स्थान को भरने का मेरे पास कितना तरीका होता, 2 और यहां 1, 4 × 3 × 2 × 1, यानी इस बार 4 factorial तरीका से हम इनको म्यूचुअली एक स्थान से दूसरा, दूसरा से तीसरा उठा के अदला बदली करके सरियाने का तरीका मेरे पास है 4 factorial। इस बात को हम लोग एक फॉर्मूला के रूप में लिख लेंगे। अरेंजमेंट बोलते हैं, हम लोग अरेंजमेंट अभी सीखे हैं कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हो और n प्लेसेस में रखा है, ये सब ऑब्जेक्ट्स अभी कहीं रख दे रहे हैं, a1, a2, a3, an, ये एक तरीका है उनको इन स्थानों पे सजाने का। अगर कभी हमको आवश्यकता होगा कि इनको आपस में म्यूचुअली यहां से वहां, वहां से यहां बैठा के हम अगर डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स क्रिएट करना चाहें तो कुल कितना नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, तो द आंसर इज n फैक्टोरियल, म्यूचुअल अदला बदली, इतना तरीकों से हम लोग कर सकते हैं।
जैसे हम अगर आपको एक बुक शेल्फ पे जाके कहें चार किताब दें आपको B1, B2, B3 और B4 और आपको हम टास्क दें लाइब्रेरी में कि जाके उन किताबों को बुक शेल्फ पे रखाइए, आपको हम कोई कंडीशन नहीं दिए हैं कि कैसे रखना है, आपको जैसे मन रख दीजिएगा। यहाँ चार स्थान बना है उन खाली किताबों का, बाकी सब भरा हुआ है, सब स्थान भरा हुआ है। ये चार स्थान है डैश 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 डैश, इन्हीं में ले जाकर के चार किताब को जाके आपको सजा देना है। तो कितना तरह से आप उन किताबों को सजा सकते हैं, अब हम लोग बार बार उस तरह से डैश डैश डैश, इस डैश को भरने का मेरे पास चार विकल्प है, इनमें से कोई एक वहां रख सकते थे B1 या B2 या B3 या B4। उस स्थान को किसी एक से अगर भर दिए तो अब दूसरे वाले स्थान को भरने का मेरे पास तीन विकल्प बचता है, फिर दो फिर एक, यानी कि हम बार बार ये काम नहीं करेंगे, हम लोग कहेंगे कुल 4 फैक्टोरियल तरीका से हम इनको म्यूचुअली अरेंज कर सकते हैं, यानी 4 × 3 × 2 = 24 ways है। आप लिखने के लिए कहें तो लिख भी सकते हैं, B1 को यहां रख दीजिए, B2 को यहां रख दीजिए, आप B3 को यहां, B4 को यहां, एक चॉइस, B1 B2 को छोड़ दीजिए, B3 B4 को अदला बदली कर दीजिए। अगली बार B1 को ही छोड़िए, आप B2 के स्थान पे B3 को लिखिए, B1 B3, आप B2 B4 को दो तरीका से B1 B3 B2 B4 B1 B3 B4 B2, इस तरह से सारा विकल्प सिस्टमैटिकली आप चाहें तो लिख सकते हैं, कितना तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। पर क्वेश्चन तो यह है नहीं कि राइट डाउन ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट्स, काउंट द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो हम लोग पहले से सीख के समझ के फार्मूला बना बना के और रख रहे हैं n फैक्टोरियल। अगर यहां पे जो ऑब्जेक्ट्स है वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होता तो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग फॉर्मूला बनाए हैं, डिस्टिंक्ट माने सब अलग। अगर मान लीजिए कि हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दे दें, 3 आइडेंटिकल रेड कलर बॉल्स आइडेंटिकल, इनको डैश 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 3 स्थान में रख दिए, बताइए कितना तरह से आप सजा सकते हैं। आप इस बॉल को उठा के वहां रख दिए और इसको यहां, तो इससे कोई नया तरीका उत्पन्न ही नहीं हुआ, बिकॉज द 3 बॉल्स आर आइडेंटिकल, यानी इन 3 आइडेंटिकल वस्तुओं को आपस में अदला बदली करके आप, ये जवाब नहीं होगा कि कुल फैक्टोरियल 36 वेज से हम सजा सकते हैं, ये नहीं होगा, होगा सिर्फ एक ही तरीका है मेरे पास सजाने का, बस यही। आप इसको उठा के यहां रखने से कोई नया तरीका नहीं क्रिएट कर रहे। सो इफ द ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, हम पूछे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ओनली 1, कहीं रख दीजिए। अगर हम 5 ऑब्जेक्ट दे दें डिस्टिंक्ट, जब तक बोला नहीं जाए कि दे आर आइडेंटिकल, आप मान के चलेंगे डिस्टिंक्ट अलग अलग सब भिन्न है, हम 3 ही स्थान कहें कि अब इनको जाके सजाना है, 5 ऑब्जेक्ट देंगे और 3 ही स्थान में कहेंगे कि जाके सजाइए। अब आपके पास पहला एक समस्या है कि हम इस 5 में से किस 3 को यहां बैठाएं, क्योंकि हम 5 को नहीं बैठा सके। तो पहले तो आपको यह सीखना होगा कि इनमें से हम 3 को कहें कि चुनिए, हाउ डू वी चूज 3 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ सेट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स, उसको हम लोग सिलेक्शन बोलते हैं या कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं चुनने को, प्रक्रिया को। जैसे हम कहते हैं कि इनमें से एक चुनिए, कितना तरह से आप चुन सकते हैं, तो आपके पास आंसर बहुत सिंपल है, या तो आप इसको चुनेंगे एक चॉइस, या उसको चुनेंगे, इसी तरह से कुल लिखिएगा तो देर आर 5 पॉसिबल चॉइसेस। लेकिन अगर हम कहें कि इनमें से कोई 2 को चुनिए, अब जरा देखिए तो कितना चॉइस हो गया, B1, B2 इज 1 चॉइस, B1, B3 इज अनदर, B1, B4, B1, B5 अभी और है, B2, B3, B2, B4, B2, B5,
सब लिख सकते हैं हम सारा चॉइसेस। तो कितना चॉइस है मेरे पास, इन पांच में से दो वस्तु चुनने का कितना तरीका। सब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है जिसके लिए पहले से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वो था कि पांच वस्तु है, पांच स्थान है, आपस में इनको हम स्थान बदल बदल के कुल कितना तरह का अरेंजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो द आंसर वाज 5 factorial। अब दूसरा सवाल है, पांच शर्ट है, इनमें से हम दो चुनिए, कोई दो, हाउ मेनी चॉइसेस यू कैन मेक। तो जरा देखते हैं कितना चॉइस। हम इस सवाल को बनाने के लिए एक तरीका सोच रहे हैं। हम सोचे हैं कि बना लेते हैं और इस पहला स्थान को भरने का मेरे पास पांच तरीका है। B1 से B5 के बीच में कोई एक शर्त चुन सकते हैं, पांच तरीका से चुन सकते हैं। एंड उसके बाद दूसरा शर्त, अब बचा हुआ चार में से कोई एक चुन सकते हैं, यानी आंसर 5×4 20 वे से हम शर्ट्स को चुन सकते हैं। पर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया। गड़बड़ी यह है कि B1 B2, यहां पे B1 रख दीजिए, मान लीजिए कि पहला शर्ट कोई विद्यार्थी चुना B1, दूसरा चुना B2, B1 B3, B1 B4, B1 B5, ये चॉइसेस लिख दिए। अगर कोई B1 चुनता है एज फर्स्ट शर्ट एंड सेकेंड शर्ट इनमें से कोई एक, तो चार तरीका हो गया, चार चॉइस। अगर वो पहला शर्ट चुना होता B2 और दूसरा चुना होता B2 B1 B2 B3 B2 B4 B2 B5, तो चार और, यही तो हम किए हैं। पहला शर्ट चुनने का मेरे पास पांच तरीका है एंड दूसरा चार। फॉर एवरी चॉइस ऑफ वन शर्ट आई हैव 4 choices एंड इस स्थान पे 5 choice है, तो 5×4=20 choice। पर देखिए क्या गलती हुआ है, यहां देखिए B1 B2 एक चॉइस है और एक B2 B1 भी लिखा है, पहला B2 दूसरा B1। जब सजाना हो, स्थान पे बैठाना हो, तो यहां बैठाना और यहां बैठाना दो डिफरेंट गिनती किया जाएगा। बैठाना है कि हम एक को यहां बैठा दिए दूसरे को यहां, लेकिन जब चुनने का बात आएगा, दो शर्ट चुन लीजिए, तो हम पहले ही वाला उठाए बाद में ई वाला उठाए, कि पहले B2 उठाए अब तब B1 उठाए, इन दोनों को सेम मानना है। चुनना और सरियाना में बहुत अंतर, दो चुन लीजिए, हम B1 और B2 चुन लिए, ऐसे बोलिए, चाहे B2 और B1 चुन लिए, एक ही बात। तो हर चॉइस दो दो बार काउंट हो गया, यानी इसको दो से डिवाइड करना था तब जाकर के करेक्ट आंसर आता, यानी टोटल 10 choice आपके पास है। अगर हम कहते कि 3 shirt चुनिए, तो आप अगर डैश 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 बना के इस स्थान पे पहला चॉइस 5 विकल्प है आपके पास और दूसरा चॉइस के लिए 4 विकल्प है और तीसरे शर्ट के चुनने के लिए 3 विकल्प बचेगा, तो आप जवाब लिख देंगे 5×4×3, ये गलत हो जाएगा। ये सरियाने के लिए ठीक है। अगर हम आपसे कहे होते कि ये 5 लोग हैं और यहां सामने 3 कुर्सी लगा दें, हम कहते कि इन 5 लोगों को बैठाइए इन 3 कुर्सी पे, मतलब इनमें से 3 ही को बैठाइए। अगर हम कहते कि 2 लोग को बैठाइए, तो आप सोचे कि हम इन दोनों को बैठाते, तो वो 2 तरीका से कर सकते थे, B1 को यहां, B2 को यहां, B2 को यहां, B1 को यहां, इसको 2 गिना जाएगा। अरेंजमेंट के केस में इस अरेंजमेंट और इस अरेंजमेंट को 2 गिना जाएगा, लेकिन चुनने के लिए दोनों को 1 ही गिना जाएगा। तो पहले 3 लोग को चुनिए, अब फिर आपस में उनको अदला बदली करके 3 factorial तरीका से, आप B1 B2 B3 इज 1 choice, लेकिन जब बैठाने का बात होगा तो इसको 3 factorial से गुना करना होगा। फॉर एवरी चॉइस ऑफ 3 people आप इतना तरह से उनको अरेंज कर सकते हैं कुर्सी पर। हम सिर्फ चॉइस पूछ रहे हैं, कितना चॉइस है, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितना है, उसको अगर हम एक्स कह लें, एंड फॉर ईच चॉइस आप उनको 3 factorial तरीका से
अरेंज कर सकते हैं, तो दिस इंटू दिस ये आंसर है। 5 × 4 × 3 जो आंसर आप ला रहे हैं, जैसे यहां पे 5 × 4 किए तो वो टोटल नंबर ऑफ चुनना दोनों को असरियाना का कुल तरीका था 5 × 4। B1 B2 को चुने सरियाने का 2 फैक्टोरियल तरीका, अगर B1 B3 को चुने तो सरियाने का 2 फैक्टोरियल तरीका। और एवरी चॉइस को हम टोटल चॉइसेस को x कहें, और हर चॉइस को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके जो आंसर आएगा वो है ये 5 × 4। तो x का जो वैल्यू आया वो इतना से डिवाइड होगा। तो अगर हम सिर्फ आपसे कहें कि चुनिए इतने लोगों में से 3 लोग को चुनिए, तो आंसर होगा 5 × 4 × 3/3 फैक्टोरियल। ध्यान से देखिए कि ये क्या है, ये 5C3 है, ये क्या था 5C2। यानी हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं कि एक n ऑब्जेक्ट्स आपके सामने रख दें, 5 फल रख दें ऑफ 5 डिफरेंट काइंड्स। हमारे टेबल में फ्रूट बोल पे में देर आर 5 डिफरेंट फ्रूट्स, 5 डिफरेंट फ्रूट्स, मैंगो है, गुआवा है, बनाना है, ग्रेप्स है और प्रोमेगनेट पी है। आपको इन 5 चॉइसेस में से कोई 2 फल उठाना है, तो कितना चॉइस आपके पास है, कुल कितने तरीका से आप चुन सकते हैं। जैसे आप मैंगो और गुआवा, एक मैंगो एक गुआवा चुन सकते हैं, अब उसको ऐसे नहीं बोलिएगा, एक मैंगो एक गुआवा चुन सकते हैं एक तरीका, एक गुआवा एक मैंगो चुन सकते हैं 2 तरीका, नहीं। चुनने का जब बात होगा, अगर हम कहें कि एक टेबल पे सजाना है, हाँ, तब आप मैंगो यहां चुने और गुआवा यहां रखे, या गुआवा को यहां रख दिए और मैंगो के यहां, तो 2 माना जाए। आपको सिर्फ यहां पे सिलेक्ट करने बोल रहे हैं। देयर आर 3 टर्म्स, सिलेक्शन, अरेंजमेंट, एक तीसरा है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, माने चुनिए भी और उसके बाद उनको सजाइए भी। जैसे 5 लोग हैं और 3 ही कुर्सी है, उनको बैठाना है, तो पहले आपको इन 5 में से कोई 3 लोग को चुनना होगा ना, किसको बैठाएंगे आप। B1, B2, B3 को चुन सकते हैं आप बैठाने के लिए, B1, B2, B4 को चुन सकते हैं, B1, B2, B5 को, B2, B3, B4 को, B2, B3। अब आप B1, B2, B3 को चुन सकते हैं, फिर आप यही बोलिए कि या हम B2, B3, B1 को चुन सकते हैं, एक ही बात आप बोलिए, या हम B3, B1, B2 को चुन सकते हैं, ये एक ही बात बोल रहे हैं। तो चुनने का कितना विकल्प है मेरे पास, चुनने के बाद अब 3 लोग हैं, 3 स्थान है, उनको आपस में अदला बदली करके स्थान को कितने तरीका से बैठा सकते हैं। अगर हम B1, B2, B3 चुन लिए, अब उनको हम B1, B2, B3, B2, B1, B3 हम उनको आपस में स्थान बदल बदल के 3 फैक्टोरियल तरीका से अरेंज कर सकते हैं। तो हम अभी जानना चाह रहे हैं चुनने का कितना तरीका है मेरे पास, और अलग से सीख रहे हैं कि सरियाने का कितना तरीका है। और कभी किसी सवाल में कहें कि दोनों कीजिए, यानी चुनिए बैठाइए, अब बताइए कि कितना कुल तरीका से, वो आसान है, वो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, दैट इज द आंसर। 5 × 4 × 3 ये जो आंसर है, इट इंक्लूड्स बोथ सिलेक्शन फॉलोड बाय अरेंजमेंट। लेकिन अगर हम सिर्फ सिलेक्शन वाला पूछना चाहते हैं कितना, तो वो 5C3 होगा। असरियाने का तरीका फॉर एनी चॉइस, इतना तरीका है चुनने का, इनमें से कोई एक तरीका लिए तो उनको आपस में कितना तरीका से सरिया सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो ये आंसर के बराबर होगा। तो सिलेक्शन के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है NCR, नंबर ऑफ वेज इन यू कैन सिलेक्ट, सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन दोनों से मतलब है, इसीलिए C स्टैंड्स फॉर
combination. How many combinations can be formed of our objects from n objects? और अरेंजमेंट का फॉर्मूला है फैक्टोरियल. तो जितना भी वस्तु को आप अरेंज करना चाहते हो, और सिलेक्शन फॉलोड बाय अरेंजमेंट, सिलेक्शन फॉलोड बाय अरेंजमेंट, चुनिए और बैठाइए, इसको हम परम्यूट करना बोलते हैं. परम्यूटेशन, परम्यूट करने जब बोलेंगे, देखिए पांच लोग हैं, B1, B2, B3, B4, B5, और तीन स्थान पे उनको बैठाना है. तो हम पूछेंगे, इन हाउ मेनी वेज कैन दीज फाइव पीपल बी परम्यूटेड इन दीज थ्री प्लेसेस. यानी हम मीन कर रहे हैं कि आपको उन पांच में से तीन लोग को चुनना है और उनको यहाँ पे आपस में अदला बदली करके स्थान को सरियाना भी है. बताइए कुल कितना तरह से कर सकते हैं. छोटा नंबर ले लेते हैं, दो स्थान. तो हम सारा विकल्प लिखते हैं आपके पास. B1, B2 is one choice. B1, B3 इधर भी नंबर थोड़ा छोटा कर लेते हैं. B1, B3 is another choice. अभी चॉइस लिख रहे हैं, सिलेक्ट करने का सारा विकल्प, जो कि हमको लिखना नहीं है एक्चुअली, खाली सीधे बता देना है कि कितना आएगा. इस सारा चॉइसेस जो है उसको इकट्ठा करके एक सेट में लिख रहे हैं. B1, B2, B1, B3, B1, B4, B2, B1 नहीं लिख रहे, वो ऑलरेडी चॉइस में गिनती हो गया. अरेंजमेंट का बात होगा तो B1, B2 और B2, B1 को अलग मानेंगे. तो अब B2, B3 लिख दे रहे हैं, B2, B4 लिख दे रहे हैं. अब B3, B1 नहीं लिख रहे, B3, B2 भी नहीं लिख रहे, B3, B4 लिख रहे हैं. ये कुल कितना होगा, बिना लिखे हम बता सकते हैं, अगर हम लोग को ये फॉर्मूला समझ में आ जाए कि चार में से दो चुनने का कितना तरीका है मेरे पास. द आंसर इज 4C2. चार में से दो चुनने का तरीका 4C2. और इसका वैल्यू कितना होगा, 4 × 3, दो ही टर्म ऊपर में लिखे, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. डेफिनेशन के अनुसार 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, लेकिन होशियारी के अनुसार ऊपर में दो टर्म लिखेंगे NC2 का मतलब n इंटू n माइनस 1 दो टर्म बटे 2, NC3 का मतलब n इंटू n 2 फैक्टोरियल, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इन बटे 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बटे 2 विच इज 6. यहां पे 6 होना चाहिए, अगर 6 नहीं है तो कुछ गलती हो गया है उससे. इतना चॉइस आपके पास है, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं या सिलेक्शन या चॉइस. एंड फॉर एनी चॉइस यू हैव 2 फैक्टोरियल वेज इन विच यू कैन अरेंज देम इन दीज टू प्लेसेस, B1, B2, और अब B2, B1 को अलग जुड़ना है. तो अगर हम पूछे होते सिर्फ सिलेक्शन, आंसर इतना, सिर्फ अरेंजमेंट हम दो लोग चुन के दे देते, कहते कि उनको आपस में कितना तरीका से हम अरेंज कर सकते, तो आंसर सिर्फ इतना. और अगर टोटल पूछते उसको परम्यूटेशन बोलते हैं, या तोड़ के देखिए परम्यूटेशन का डेफिनेशन हम दिए हैं, इट इज सिलेक्शन फॉलोड बाय अरेंजमेंट. और तब इसका आंसर कितना होगा, अगर n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करना है, माने r ही स्थान है, ऑब्जेक्ट्स n है ज्यादा, तो पहले चुनिए NCR, तरीका से आप चुन सकते हैं. फिर सरियाइए, r ऑब्जेक्ट्स को चुन लिए तो r फैक्टोरियल तरीका से उनको सरियाइए, चुनिए सरियाइए. सरियाने का फॉर्मूला यहां है कि अगर n वस्तु को सरियाना है, n अभी r ही है, तो r वस्तु को सरियाना है तो इतना तरीका. और ये NCR का डेफिनेशन होता है, इसको r फैक्टोरियल से गुणा कर दीजिएगा तो ये कट जाएगा और सिर्फ बचेगा इतना, इसको हम लोग बोलते हैं NPR, n फैक्टोरियल. इसी के लिए एक सिंबल बना दिया NPR. सो देयर आर 3 सिंबल्स नाउ, n फैक्टोरियल, NCR एंड NPR, व्हिच इज नथिंग बट
एन सी आर मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल, इसी को मल्टीप्लाई कर दो तो जो बचता है इट इज एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस वन। अच्छा, ये सब जो चीज हम लोग कर रहे हैं ना, यहां मान लिए हैं कि जो ऑब्जेक्ट हम बोल रहे हैं एन, जिसमें से हम चुनने बोल रहे हैं या चुन के सजाने के लिए बोल रहे हैं, ये सब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो, चार ऑब्जेक्ट है, चार में से दो चुनना है, कितना तरह से हम चुन सकते हैं? द आंसर इज 4C2। छह तरीका से हम चुन सकते हैं, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री, ऑब्जेक्ट फोर, चूज टू, जो मन चुन लीजिए। O1 O2 चुन सकते हैं आप, O1 O3 O1 O4 O2 O3 O2 O4 या O3 O4। लेकिन अगर मान लीजिए चारों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो, O1 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 O1, अब कहें कि इसमें से दो चुन लीजिए, तो कितना तरीका से आप चुन सकते हैं? एक ही तरीका, ई उठाइए, ई उठाइए, चाहे ई उठाइए, ई उठा, सब एक ही है ना, अलग अलग नहीं है, सो ओनली वन। इसमें हम अगर कहें कि चार में से एक चुनिए, तो कितना तरह से आप चुन सकते हैं? 4C1 विच इज 4, चार तरीका है, ये तो यह चुन लीजिए या ये चुन लीजिए। उसमें कहें कि एक चुनिए, कितना तरीका? आंसर इज 1। अगर इसमें कहें कि तीन चुन लीजिए, O1, O2, O3, O1, O2, O4, O1, O3, O4, O2, O3, जितना कितना चॉइस है, 4C3, चार में से तीन चुनने का तरीका, विच इज सेम एज 4C1। दिस प्रॉब्लम 17C15 का वैल्यू पूछिएगा, क्योंकि सेम है 17C2। आप तब 17 × 16/2 फैक्टोरियल, तो 4C3 का वैल्यू इज सेम है 4C1 विच इज 4। यानी कि इसमें से तीन वस्तु चुनने के लिए कहें, चार में से तीन, तो आंसर इसमें 1। चार में से तीन चुनिए, कितने तरीका से चुन सकते हैं? ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के केस में ये सब फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज इट इज सो सिंपल, एक ही तरीके। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के केस के लिए हम लोग ये सब फॉर्मूला बना रहे हैं। चार में से चार चुनना है, कितना तरीका से चुन सकते हैं? 4C4 विच इज 4C0 विच इज 1। चार में से चार चुनना है, कितना तरीका? एक ही तरीके, 1 और 2 और 3। चार में से एक को नहीं चुनना है, कितना तरीका से हम चुन सकते हैं? एक को नहीं, एक ही है, कोई नहीं चुना, 4C0 विच इज 1। सो जस्ट चेकिंग दी फॉर्मूला, कि हमारा जो NCR फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सभी सिचुएशन के लिए करेक्ट आंसर देना चाहिए। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, केस के लिए, एक चुनने का तरीका, दो चुनने का तरीका, तीन चुनने का तरीका, चार चुनने का तरीका, सबका आंसर वही है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देर आर 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अभी सरियाने पे नहीं पूछ रहे हैं क्वेश्चन, चुनने पे, बस दो ही चीजें हैं, चैप्टर खत्म हो जाता है। आप अगर चुनना सीख गए और सरियाना सीख गए, तो परम्यूटेशन तो बस दोनों का गुना है, नथिंग स्पेशल। यू शुड नो हाउ टू अरेंज एंड यू शुड नो हाउ टू सेलेक्ट, सेलेक्ट अरेंज एंड देन यू विल नो हाउ टू परम्यूट। तो बताइए कि इन चार वस्तुओं में से दो या दो से अधिक चुनने का कितना तरीका है? मैंने आपको चार वस्तु रख दी सर, आपको बोल दी यही बात हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू और मोर देन टू थिंग्स फ्रॉम 4 थिंग्स। मतलब क्या समझना था आपको? चार में से आप दो चुन सकते हैं या 4 में से 2 या 4 में से 3 चुन सकते हैं, दो या दो से अधिक। आप O1 O2 उठा सकते थे, ई सरम ले लिए, या आप O1 O3 O4 उठा सकते थे, चूंकि हम अगर बोले होते दो ही उठाना है तब O1 O2 उठा सकते थे, या O1 O3 या O1 O4 या O2 O3 या O2 O4 या O3 O4। जब हम कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक उठा सकते हैं, तो आप तीन भी उठा सकते हैं। तीन वाला जितना वे तरीका है वो सब इतना तरीका है, या आप
चार भी उठा सकते हैं, तो चारों उठाने का जो तरीका है इतना हम या पूछेंगे, तो अब इस सवाल का जो जवाब होगा उतना प्लस उतना प्लस उतना जवाब देंगे. यू एड देम ऑल द चॉइसेस, नॉट मल्टीप्लाई. अगर हम कहते कि 15 ऑब्जेक्ट दे देते हैं O1, O2, O15 तक कॉमा करके, क्वेश्चन आप इसमें से 7 ऑब्जेक्ट से कम नहीं चुनना है लेकिन 9 से अधिक नहीं चुनना है. यानी आप 7 ऑब्जेक्ट चुन सकते हैं या 8 चुन सकते हैं या 9 चुन सकते हैं, बस उससे अधिक नहीं और 7 से कम नहीं. एटलीस्ट 7 एंड एटमोस्ट 9 ऑब्जेक्ट्स आप चुन सकते हैं. बताइए कितना विकल्प है आपके पास, हाउ मेनी वेज कैन यू डू सो. तो पहले सोचिए 7 ऑब्जेक्ट चुनने का कितना विकल्प है आपके पास. द टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं. 15 में से 7 चुनने का इतना तरीका है, या बोल रहे या लिख रहे प्लस 15 में से 8 या 15 में से 9, यही आंसर होगा. ऐड करते हैं, अगर सिर्फ पूछते कि इसमें से 7 वस्तु चुनने का कितना तरीका है, तो फॉर्मूला है 15 × 7. 4 वस्तु दे दिए क्वेश्चन, आप इसमें से कम एक वस्तु चुनना है, बताइए कितना तरीका से चुन सकते हैं. कम से कम एक वस्तु मतलब एक या दो या तीन या चार, 0 नहीं चलाओगे, एक को नहीं चुने, ये नहीं अलाउड. एक कम से कम, 4 फल रखा है आपको खाना ही है कंपल्सरी, बच्चा लोगों को नहीं डांटता पेरेंट्स, यू हैव टू ईट फ्रूट्स. तो 4 में से कैट हो खाना है, हम रिस्ट्रिक्शन दिए हैं, कम से कम एक तो चुनना है. यानी उस में से एक चुन सकते हैं आप, या दो या तीन या चारों फल में से एक एक चुन सकते हैं, एक को नहीं चुने वो नहीं अलाउड. तब आंसर क्या होगा, तब यही सम 4C1 + 4C2 + 4C3 + 4C4 जवाब देंगे. और इसका आंसर हम बता सकते हैं, चूंकि हमको 4C0 से लेकर के 4C4 तक का जो सम है वो पता है 2^4 होगा, वो अब यहां पे काम देगा. और -4C0 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि 15 तरीका से आप जोड़ भी सकते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 15 आना चाहिए, 6 × 4 = 10, 4 × 14 = 15. अगर हम कहते कि 4 फल में से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो चुनना है चुनो, नहीं मन है मत भी चुनो, यानी 0 और मोर, अभी था ना 1 और मोर, कम से कम है, अब 0 और मोर कर देते तो 4C0 भी इधर आ जाता और तब आंसर 16 होता, कि टोटल मेरे पास 16 विकल्प है. एक विकल्प है ना उसमें कि हम कुछ नहीं चुने, एक विकल्प है ना कि हम चारों चुन लिए, चारों चुनने का एक तरीका है, एक को नहीं चुनने का एक तरीका है, बाकी सब जोड़ के 16. फॉर्मूला यही 3 तो है, 2 ही है, ये तो डिराइव्ड कह सकते हैं, बस इतने पे सब सवाल बनेगा. ये सवाल अगर हम इसमें पूछे हमसे, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के केस में देयर आर 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, क्वेश्चन आप इसमें 2 या 2 से अधिक चुन सकते हैं, यानी आप 2 चुन सकते हैं या 3 या 4, 2 कितने तरीका से चुन सकते हैं वो मालूम होना चाहिए. फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 या नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 3 या नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4, यही होगा मेरा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज. ये पूछे हैं कि 2 या 2 से अधिक चुनना है, तो इस बार अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होता तो 4C2 + 4C3 + 4C4 लिखते, लेकिन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है तो एक बार में एक सवाल को देखिए, इसमें से 2 वस्तु चुनने का मेरे पास कितना तरीका है, आंसर इज 1. क्योंकि आप ई चुनिए चाहे वो चुनिए चाहे वो चुनिए चाहे वो चुनिए, सब तो बराबर है, 1 + 1 + 1 द आंसर इज 3.
अगर कहे होते हम कि जीरो और मोर, मैंने एको मत चुनिए या सब चुन लीजिए, जो करना है कीजिए, कुल कितना तरीका से हम चुन सकते हैं। मैंने यहां तो स्पेसिफाइड है ना कि एन वस्तु में से आर वस्तु चुनना हो तो ये फॉर्मूला। अब यहां पे हम सबको ऐड करने बोल रहे हैं, दो तरीका चुनने का तरीका, तीन चुनने का, तो जीरो और मोर, तो आंसर क्या होता? पांच आंसर होता। जीरो के लिए एक तरीका, मैंने को नहीं चुने, एक चुनने का एक तरीका, दो चुनने का एक तरीका, तीन चुनने का एक तरीका, चार चुनने का एक तरीका, तो आंसर होता पांच। यानी हम इस दोनों बात को सम करें, कभी ऐसा पूछे कि एन ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट, कल्पना कीजिए एन ऑब्जेक्ट्स, और कहते कि उसमें जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स चुनने का कुल कितना तरीका है, जीरो और मोर, यानी हम एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी एन का सम पूछ रहे हैं आपसे। ये पर्टिकुलर नंबर है आर चुनने का तरीका। तो देखिए, एक चुनने का तरीका फॉर्मूला यूज किए, दो चुनने का तरीका फॉर्मूला यूज किए, और ये आंसर टू टू पावर एन होगा। कभी पूछ दे देर आर फोर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, बताइए जीरो और मोर वेज से हम ऑब्जेक्ट चुनना चाहते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये नहीं कि दो ही चुनना है या तीन ही चुनना है, या दो चुन सकते हो या तीन चुन सकते हो, वो भी नहीं, एक को मत चुनो, सब चुन लो, जो करना है करो। तो आंसर इज टू टू द पावर एन। और अगर एन ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो और हम यही क्वेश्चन पूछे, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स जीरो और मोर, तो हर पर्टिकुलर तरीका के लिए एक चॉइस है, वन प्लस वन प्लस वन प्लस एन प्लस वन तरीका आएगा। यहां ए ए ए तीन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, बी सी डी ई ई, कुल तीन तीन छ दो आठ ऑब्जेक्ट है, यहां आठ में से दो चुनना है। अगर ये एट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होता ना तो आसान था बहुत सवाल, एट सी टू आंसर। अगर आठों का आठों वस्तु भिन्न होता तो दो चुनना बहुत आसान था, एट सी टू, लेकिन आठों भिन्न नहीं है। अब मेरे पास बहुत सारा विकल्प, दो वस्तु, पहला विकल्प कि बोथ ऑब्जेक्ट्स आर जो हम चुने डिफरेंट, बोथ डिफरेंट, या बोथ आइडेंटिकल, ये दो विकल्प है मेरे पास, दो ही चुनना है, या है बीच में दोनों वस्तु सेम चुन लिए हो, ऐसा कितना तरीका से कर सकते हैं। देखिए, दोनों वस्तु सेम चुना जाए, ए ए और ई ई, बस यही दो चॉइस है, सो देयर आर टू चॉइसेस, ए ए को अगर चुन ले या ई ई चुन ले, और दोनों डिफरेंट, ये कितना चॉइस है। तो गिनिए ना कितना डिफरेंट यहां पे एंटिटीज है, ए बी सी डी ई, तो पांच एंटिटी है, इन पांच में से कोई दो चुनेंगे आप, तो फाइव सी टू। अच्छे से चेक कर लीजिए, मतलब कि आप सारा चॉइसेस हम लिख सकते हैं, ए बी इज वन चॉइस, ए सी इज वन, ए डी इज वन, ए ई इज वन, बी सी इज वन, बी डी इज वन, बी ई इज वन, सी डी, सी ई, डी ई, ए ए, ई ई, All choices written here. अब सबको आपको ऐड करना है, टोटल बताना है। अब चूंकि यहां और है, एंड नहीं है, एंड होता ना तो दोनों गुना होता, अब दोनों को आप ऐड करेंगे एंड यू गेट द आंसर। 5 सी टू का वैल्यू 5 इंटू फोर बटे टू फैक्टोरियल 10 हो गया, 12 टोटल यहां 12 होना चाहिए। अगर हम ऐसा पूछें, चार वस्तु है O1, O2, O3, O4, आपको इसमें से हीप बना हुआ, हीप, यहां हीप पहाड़ जैसा, यानी O1 ढेर सारा है, मे बी हीप ऑफ ऑरेंजेस, हीप ऑफ मैंगोज, हीप ऑफ बनाना, हीप ऑफ ग्रेप्स,
आपको दो उठाना है और आप रिपीट भी कर सकते हैं। अब ये नया चीज पूछे, यू मे चूज O1, O1, यू मे चूज O2, O2, O3, O3, O4, O4। अब बताइए कितना चॉइस है। तो तोड़ के सोचिए इसको कि अगर हम दोनों फल डिस्टिंक्ट उठाएं अलग अलग, तो चार डिस्टिंक्ट फल में से दो डिस्टिंक्ट फल चुनने का तरीका, वी हैव अ फॉर्मूला 4C2। और अगर कहें अब वो गिनती कीजिए कि आइडेंटिकल कितना तरीका से उठा सकते हैं, जैसे O1 O1 इज वन चॉइस, O2 O2 इज अनदर चॉइस, O3 O3 इज अनदर चॉइस, तो चार। तो ऐड कर दीजिए दोनों को, या है दोनों के बीच में, या तो आप दोनों आइडेंटिकल उठाएंगे या दोनों डिस्टिंक्ट उठाएंगे, तो दोनों को ऐड कर दीजिए एंड यू गेट द आंसर 4C2 + 4। अगर हम ए ए ए बी सी डी ई ई, आठ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें तीन अलाइक है एक जैसा, दो अलाइक है माने एक जैसा, अलाइक मतलब एक जैसा, और ये सब डिफरेंट है। क्वेश्चन, जीरो और मोर चुनना है, आप चाहें इन आठ में से एक भी ना चुने, आप चाहें एक ही चुने, आप चाहें दो चुन सकते हैं, आप चाहें तीन, सारा केसेस कंसिडर करना है। जैसे अभी हम लोग दो चुनने के लिए कितना तरीका है मेरे पास, अभी कैलकुलेट किए थे। दो चुनने का तरीका था कि हम पांच डिस्टिंक्ट में से दो डिस्टिंक्ट चुन लें, फिर या हम दो ए चुन लें या हम दो ई चुन लें, सबको ऐड करके हम आंसर दे दिए एग्जैक्टली दो चुनने के तरीके। और एग्जैक्टली वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू ऑब्जेक्ट्स, अगर हम वेज ऑफ सेलेक्टिंग थ्री ऑब्जेक्ट्स कहते कि कैलकुलेट कीजिए, उसी तरह से सोचते हैं पहले कि पांच में से तीनों डिस्टिंक्ट चुन लिए, पांच ही ना डिस्टिंक्ट है ए बी सी डी ई, तो उसमें से कोई तीन चुन लिए ए बी सी ए बी डी ए बी ई वगैरह वगैरह, कितना चॉइस प्लस। अब दो सेम और एक भिन्न चुनते हैं, ये कितना तरीका है। तो एक भिन्न चुनने का तरीका आपके पास है, माने ए ए को आप अगर चुन लिए तो बाकी बचा चार, चार में से कोई एक चुन सकते हैं, या अगर यहां आप चुन लेते ई ई तब बाकी बचा चार, उनमें से कोई एक चुन सकते थे, यानी 4C1 × 2, या हम तीनों आइडेंटिकल चुन लें, तो वो एक ही तरीका है ए ए ए, ये आंसर हो गया। तीन चुनने का, चार चुनने का, पांच चुनने का, छह चुनने का, सात चुनने का, आठ चुनने का, एक चुनने का, एक को नहीं चुनने का, सब निकाल के टोटल बता दें, जीरो और मोर, तो इसका सारा का सम कितना होगा। तो उसके लिए सब नहीं लिखेंगे, जैसे हम एबीसी तीन ऑब्जेक्ट्स में से कहें जीरो और मोर, तो आप 3C0, 3C1, 3C2, 3C3 सबका वैल्यू कैलकुलेट कैलकुलेट करके, और तब आंसर नहीं, हम लोग पहले से इस बात को नोटिस कर लिए हैं और आंसर 8 बोल देंगे। ऐसा इसमें भी देखिए, जीरो और मोर, इस आंसर को हम लिख रहे हैं, इसमें जो आइडेंटिकल सब है और जो डिस्टिंक्ट है अलग अलग सोचिए, इसमें से जीरो और मोर चुनने का तरीका है 4, इसमें से जीरो और मोर चुनने का तरीका है 3, दो है, इनमें से जीरो और मोर चुनने का तरीका है 2^3। अब बस इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट द आंसर। और उसको समझने के लिए फिर वही करना है मल्टीप्लीकेशन के लिए, आप अगर कोई भी एक पर्टिकुलर चॉइस करते हैं इन चार में से कोई एक, चार विकल्प क्या क्या था कि आप एक को नहीं चुने ए में से, या एक चुने या दो या तीन, तो उनमें से कोई एक विकल्प मान लीजिए अभी ए में से एक को नहीं चुने, बी में से भी आप, ई में से भी आप एक को नहीं चुने, तब इन तीनों में से
का 8 तरीका था आपके पास, ये दोनों चॉइस फिक्स कर लीजिए, डू नॉट चूज ए, नो ए नो ई। अब बीसीडी के लिए मेरे पास चॉइस था 8, तीनों में से कोई एक नहीं, कोई नहीं चुने, एक तरीका, एक नो चॉइस, एक चुनते हैं, बी चुन लें या सी या डी, ये फिक्स कर दिए। अच्छा, अगर हम बी और सी चुन लें, बी और डी चुन लें, ये फिक्स है, माने हम ए नहीं चुन रहे, ई नहीं चुन रहे और बी सी चुन लिए, आप है ना कि जो मन सो लीजिए, बी सी चुन लिए, बी डी चुन लिए या सी डी चुन लिए, या हम तीनों चुन लिए बी सी डी, यानी अगर हम ए नहीं चुने, ई में से एक भी नहीं चुने, तो मेरे पास 8 तरीका है टू क्यू। अगर हम ए अभी भी नहीं चुने, ई में से एक चुन लिए, आप फिर ये 8, ए अभी भी नहीं चुने, ई में से 2 चुन लिए, फिर 8। यही हम गुना को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, क्यों गुना कर रहे हैं, इस चॉइस में से कोई एक चॉइस अभी कर रहे हैं, इसका कोई एक चॉइस फिक्स कर दीजिए तो 8 चॉइस, इसको फिक्स रखिए, अभी इसका दूसरा चॉइस लीजिए फिर 8, इसका तीसरा, इसमें चूंकि 3 चॉइस है, अब फिर इसका चॉइस बदलिए, यहां 4 चॉइस है, इसीलिए 4 × 3 × 2 क्यों, इतना सारा तरीका है। अगर ऑब्जेक्ट हम जो देते हैं O1, O2, A3, कुछ कुछ O4, O5, O6, O1, 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 कुछ आइडेंटिकल है, कुछ P नंबर आइडेंटिकल है, P आइडेंटिकल O1, कुछ O5, O5, O5 है, ये Q है, आइडेंटिकल नंबर्स, 3, 4, 5 जितना भी है, और यहां पे R डिस्टिंक्ट है। तो बताइए, अगर हम ऐसा पूछे कि नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 0 और मोर, E+1 इंटू Q+1 इंटू 2 to the power r, ये आंसर, दोनों को मल्टीप्लाई खाली किया गया, देखिए इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को गुना कर दिया, ये अरेंजमेंट को देखिए, हम अरेंजमेंट का एक सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ पे 4 लोग हैं, B1, B2, B3, B4, इनको सजाइए, तो हम लोग जानते हैं 4 फैक्टोरियल तरीका से इनको सजा सकते हैं, इनको अलग कल्पना कर लीजिए, सब अभी अलग, आप लोग बस बैठिए, किनारे खड़ा हो जाए, हम बैठने के लिए बोलेंगे तो बैठिएगा कुर्सी पे, अब इस स्थान को आप कितने तरीका से भर सकते हैं, 4 इसको, 3 इसको, 2 इसको, 1, आंसर इज 4 फैक्टोरियल, जो हम लोग रटे हुए हैं, बार बार प्रूव नहीं करना। यही अगर यहां पे 6 लोग होते, आप कहते कि बैठाइए, तो हम 2 तरीका से इस सवाल को अप्रोच कर सकते हैं। तरीका एक कि हम समझ गए हैं कि ये जो सवाल है, इट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन फॉलोड बाय अरेंजमेंट, तो 6 में से हम 4 लोग को चुन लिए, इनको हर एक चॉइस के लिए मेरे पास इतना सारा तरीका है, तो चुने एंड सरियाए, आंसर हो गया। या इसी सवाल को हम ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, जो कि करेंगे हम अक्सर, मानी दिस इज 6P4, या हम इसको ऐसे अप्रोच करेंगे कि इस स्थान को भरने का तरीका 6, 5, 4, 3, आंसर 6 × 5 × 4 × 3, वही लिखा हुआ है, हम अक्सर इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए गेट यूज टू दिस, दिस इन्वॉल्व्स, दिस आंसर इंक्लूड्स सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, ये नंबर इससे बड़ा है, इससे बड़ा है ये नंबर, ग्रेटर, इतना बड़ा है, इतना गुना, गुना करने पर ही आता है, दिस इज 6P4, NPR इज ऑलवेज ग्रेटर देन NCR, क्योंकि इसी को मल्टीप्लाई करते हैं आप R फैक्टोरियल से, तब जाके मिलता है NPR। तो 4 लोग को 4 स्थान सजाना है, आंसर 4 फैक्टोरियल, लेकिन कल्पना कीजिए कि इसमें 2 आइडेंटिकल लोग हों, तो B1 बुक्स है, एक अलजेब्रा का किताब है मेरा, एक कैलकुलस का, 2 क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का, आपको बुक रैक पे जाकर सजाना है, तो 2 क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का जो किताब है उनको आप अदला बदली करके भी रखते हैं तो उसको अलग नहीं माना जाएगा, न्यू अरेंजमेंट नहीं माना जाएगा, आइडेंटिकल वस्तु को हम लोग तो एक्चुअली में इनको यहां पे सजा के और बदल बदल के स्थान देखना चाहते हैं कि कितना तरह से हम सजा सकते हैं, पर जब आइडेंटिकल होगा कोई तो उनके म्यूचुअल अरेंजमेंट के कारण कोई नया अरेंजमेंट नहीं उत्पन्न होगा।
तो कितना आंसर होगा? अब आप आंसर लिख दीजिएगा ना कि इन चार वस्तुओं को हम 4 factorial तरीका से सजा सकते हैं, तो आंसर गलत हो गया। कोई एक पर्टिकुलर चॉइस हम कर दिए, B1, B2, B2, B4, ऐसा बहुत सरल है अरेंजमेंट। अब इस समय अगर हम B2, B2 को आपस में अदला बदली कर दिए, यानी 2 factorial तरीका से, तो उसको एक मानना है। यानी अभी हम उठा के इसको यहां रख दे, इसको यहां, तो उसको एक मानना है B1, B2। अगर कोई यहां पे B2 रखते, एक B1, यहां B4, एक B2, अब फिर हम इसको उठा करके यहां अदला बदली कर दें, तो उसको भी एक मानना है। यही डिस्टिंक्ट होता ना, तो हम कहना यह चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, हम लोग अभी जो गिनती किए ना 4 factorial, इसमें एक अरेंजमेंट ई वाला आ गया, और एक उठा के अदला बदली कर दीजिए, वो भी गिनती हो गया। यानी हर 2-2 बार गिना गया है अरेंजमेंट, यानी इसको डिवाइड करना होगा आपको 2 factorial से, जो उन दोनों के म्यूचुअल अरेंजमेंट के कारण एक्सेस काउंटिंग हो गया है इतना अधिक। अगर मान लीजिए कि 3 वस्तु होता आइडेंटिकल, 5 वस्तु है इनको अरेंज करना है, 5 स्थान है अरेंज की, 3 identical books, टू कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं, तो अगर ये सब डिस्टिंक्ट होता तो आंसर होता 5 factorial। लेकिन अगर उसमें से कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, तो इनका जो म्यूचुअल अरेंजमेंट है, जैसे अभी हम ए को यहां रख दे, ए को यहां, इसको वहां, उसको यहां, कहें कि डिफरेंट इट इज सेम, तो इनको आपस में ही अदला बदली करके कितना हम लोग टर्म्स क्रिएट कर पाते, तो वो 3 factorial क्रिएट हो जाता था, उस सबको अब एक्चुअली 1 गिनना है। यही डिस्टिंक्ट होता तो इसको यहां उठा के यहां रख देते, एक नया अरेंजमेंट, इसको यहां उठा के इससे बदला बदली नया। यानी कि आपको इस आंसर को डिवाइड करना है इनके म्यूचुअल अरेंजमेंट के कारण जो एक्सेस काउंटिंग हो गया है उतना से डिवाइड कर देना है। यहां जो लिखे हैं फॉर्मूला, यह है एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के म्यूचुअल अरेंजमेंट्स का कुल तरीका, एन फैक्टोरियल। लेकिन अगर उसमें कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स भी समाया हुआ है जिनके म्यूचुअल अदला बदली के कारण कोई नया अरेंजमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो यू मस्ट डिवाइड बाय, इस केस में 3 factorial, इस केस में 2 factorial दे रहे हैं। कुछ और एग्जांपल, मैथमेटिक्स लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अल्फाबेट्स है। हाँ, क्वेश्चन, इन सभी अल्फाबेट्स को अगर हम अदला बदली करें और नया शब्द बनाए, कैट शब्द, इन्हीं 3 अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके हम ATC लिख सकते थे, ACT लिख सकते थे, TAC लिख सकते थे, TCA, कुल कितना तरह से हम इन 3 अल्फाबेट्स को सरिया सकते थे, तो the answer is 3 factorial, यानी 6 तरीका से, सारा लिखे नहीं है। अगर इन सब को हम अरेंज कर करके क्रिएट करें, तो कुल कितना वर्ड्स हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कैट के 3 अल्फाबेट को अरेंज करके हम 3 factorial 6 different वर्ड्स क्रिएट हो सकता है। मीनिंग से मतलब नहीं है आप, तो कितना तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। अगर सब डिस्टिंक्ट होता ना, तो आंसर 11 factorial हो जाता, इतना 11 अल्फाबेट्स, बट दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो डिवाइड करना होगा। इसमें जो जो आइडेंटिकल है ना, जैसे 2 M's दिख रहा है, 2 A's दिख रहा है, कुछ छूटेगा तो बताइएगा, वही इंपॉर्टेंट है, 2 T's दिख रहा है, और बाकी सब सिंगल सिंगल दिख रहा है, HEIC and S, गिन ले, 2, 2, 4, 2, 6 और 5, 11, 11। किसी भी समय अभी यही अरेंजमेंट है, अब हम M को बदल दिए स्थान, तो उसको नया नहीं ना गिनेंगे, इट इज सेम। तो उन लाइक ऑब्जेक्ट्स के म्यूचुअल अदला बदली के कारण जो इतना भी तरीका से कर सकते हैं, उतना से डिवाइड करना होगा। 2 M का अदला बदली विल नॉट क्रिएट, 2 T का, 2 कोई और लिख दीजिए, अभी MM यहां लिख दिए, ATT लिख दिए, बाकी सब। अब हम अगला अरेंजमेंट किए कि अच्छा इसको यहां उठा के रख देते हैं, इसको अब
तो उससे कोई नया चीज नहीं क्रिएट हो रहा, तो डिवाइड बाय दैट मेनी फैक्टोरियल, इतना नया शब्द आप बना पाए। एक पोल है और इस पे कुछ आर्म्स बना हुआ है, इस तरह का हाथ जैसा, जो रोटेट कर सकता है इस पोल के अबाउट। फोर पोजीशंस में इसको हम रख सकते हैं, इसको यहां वहां यहां यहां, उसमें ग्रूव्स बना होगा, ऐसे रख सकते हैं या ऐसे या ऐसे या ऐसे, और ऐसा ऐसा फाइव आर्म्स है। तीन आर्म चाहिए, एक वन आर्म, आर्म वन, आर्म टू, आर्म थ्री। इन तीनों आर्म को हम चार डिस्टिंक्ट पोजीशंस में सजा सकते हैं, इनमें से कोई एक स्थान पर। आप बहुत दूर में हैं और इसमें रोशनी जल रहा है, बत्ती है जो जल रहा है। हम अगर किसी एक वक्त इस आर्म को इस पोजीशन पे रखे हैं, इस आर्म को इस पोजीशन पे और इस आर्म को इस पोजीशन पे, आप दूर से दिख जाएगा आपको। और हम लोग आपस में एक साइन लैंग्वेज बना लिए, एक कोड बुक बना लिए, सिग्नल्स है, हमारे पास नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए, टेलीफोन नहीं है, यही आपस में हम सब एक कोड बुक बना लेंगे कि देखो जब हम ऊपर वाला जो उस आर्म है ना, वो जब पोजीशंस का नाम रख देते हैं, वन टू ए बी सी, वन टू थ्री फोर पोजीशंस, वन टू थ्री फोर वन, तो ऊपर वाला आर्म जब पोजीशन टू पे होगा, बीच वाला आर्म जब पोजीशन थ्री पे होगा, और लास्ट वाला आर्म पोजीशन फोर पे होगा, तो तुम समझना कि हम बुला रहे हैं, आस्किंग यू टू कम। इस तरह का हम लोग आपस में पहले से बुक बना ले सकते हैं, कोड बुक जैसे। तो क्वेश्चन है कि कुल कितना तरह का हम सिग्नल्स भेज सकते हैं, टोटल हाउ मेनी बाय एडजस्टिंग द आर्म्स, यही क्वेश्चन। तो इस एक आर्म को हम चार तरीका से डिफरेंट पोजीशंस पे रख सकते हैं, इसको भी चार, इसको भी चार, सो द आंसर इज 4 × 4 × 4, टोटल 64 सिग्नल्स हम लोग आपस में कोड बुक में, मेरे 64 सिग्नल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा ऐड कर दें कि इसमें एक पोजीशन ऑफ रेस्ट भी है, मतलब ये पोजीशन ऑफ रेस्ट है पोजीशन वन, यानी तीनों सिग्नल जब पोजीशन वन पे होगा तब बत्ती बुझा होगा और तुमको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा होगा, यानी तभी आंसर गलत हो गया, 4 × 4 × 4 गलत हो गया, क्योंकि इसमें वो भी पोजीशन काउंट हो गया जब तीनों का तीनों रेस्ट पे है, उसको माइनस कर देना है। यहां एक नंबर लिखे हैं, इसमें 7 डिजिट्स है, आपको एक नंबर बनाना है ग्रेटर देन 10^6, ग्रेटर देन 10^6 मैंने 1 और 6 सुनना, और आपको जो भी नंबर बनाते हैं उसमें इन सातों डिजिट को इस्तेमाल करना है। यू आर सपोज टू यूज ऑल दीज डिजिट्स एंड क्रिएट अ नंबर, बट जो भी नंबर आप बनाए वो इससे बड़ा होना चाहिए। अगर हम इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं देते हैं, खाली कहते हैं कि इन सातों डिजिट को इस्तेमाल करके नंबर बनाना है, तो द क्वेश्चन इज सिंपली ऑफ अरेंजमेंट, इन सातों को अपने स्थान पे अदला बदली, इसको वहां, उसको वहां, उसको वहां रख करके जितना तरह का नंबर्स बना सकते हैं। तो हम तुरंत जवाब देते 7 factorial विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द 7 digits, म्यूचुअली अरेंजिंग द 7 digits अमंगेस्ट देमसेल्व्स। 7 factorial डिवाइड कर देते, 3 दिख रहा है 3 ठो, और 2 दिख रहा है 2 ठो, तो 2 को आपस में अदला बदली करने का जो तरीका है 2 factorial, और जो 3 ठो आइडेंटिकल है उनको आपस में अदला बदली करने का जो तरीका है 3 factorial, इतना से डिवाइड कर देते। अब रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इतना सारा नंबर क्रिएट हम कर सकते थे,
लेकिन आपको क्रिएट करना है सिर्फ वैसा नंबर्स जो 10^6 से बड़ा हो। देखिए तो जरा इसमें सब नंबर तो 10^6 से बड़ा लग रहा है, सिवाय अगर 0 को इस स्थान पे हम लिख दें, अब बाकी सबको हम बाकी स्थान पे अरेंज कर दें। यहां पर एक या एक से बड़ा कुछ भी रहेगा तो वो नंबर तो इससे बड़ा हो जाएगा, ये 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 यहां लिख दें खाली, उसको छोड़ के तो बाकी सारा नंबर बड़ा होगा 10^6। तो चलिए गिनती कर लेते हैं कि उसमें से जितना सारा नंबर्स हम बनाए स्थान बदल बदल के, उसमें से कैठो नंबर था जिसमें कि 0 यहां लिख दिए थे, तो यहां 0 को फिक्स कर दीजिए। और 0 को फिक्स कर दीजिएगा तो इन नंबर्स को आपस में अरेंज करके बना सकते हैं 6×3×2। ये उतना नंबर ऑफ नंबर्स है जिसमें कि 0 इस स्थान से लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड यू गेट द आंसर। 3 बक्सा है, 3 डिफरेंट बैग्स, bag 1, bag 2, bag 3, और मेरे पास 10 डिफरेंट मैंगोज है और उनको उसमें सरियाना है। कितने तरीके से सरिया सकते हैं? मैंगो लीजिए, सरियाना शुरू कीजिए, mango 1। कितना तरीका से हम इसको रख सकते हैं, सजा सकते हैं? 3 इनमें से डाल दें या इसमें या इसमें। अब दूसरा लीजिए, एंड फॉलोड 1 काम फॉलोड बाय अनदर। अब दूसरा लीजिए, उसको सजाने का 3 तरीका है, किसी एक में डाल सकते हैं, तीसरा को भी किसी एक में। इस तरह से हर एक मैंगो को डालते वक्त आपके पास 3 विकल्प होगा, तो 3×3×3×3, यानी कि नंबर ऑफ वेज (3^10). बस केवल फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग क्लियर होना चाहिए। हम सारा तरीका लिख सकते हैं, तो बहुत ज्यादा है ये संख्या। जैसे एक तरीका है कि मैंगोज डिफरेंट है, मैंगोज का नाम दे दें हम M1, M2, M10। M1 को यहां डाल दें और M2 से लेके M10 तक सबको यहां डाल दें, ये एक तरीका हुआ। हम इसमें एक भी नहीं डाले, M2, M3, M4 को यहां डाल दिए और फिर M5 से M10 यहां डाल दिए, एक दूसरा तरीका। ऐसा क्या तरीका? सो द आंसर इज 3×10। अब इसके लिए इसका फॉर्मूला नहीं काम देगा, मैंने हम कुछ फॉर्मूलाज बनाए हैं सिचुएशंस के लिए, लेकिन हर सवाल में फॉर्मूला नहीं काम देगा। काम देगा वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस सवाल को देखेंगे, 6 फ्रेंड्स टू इनवाइट यूजिंग 3 सर्वेंट्स। तो कितने तरह से हम इनवाइट कर सकते हैं? इनविटेशन भेजना शुरू कीजिए, किसी भी एक फ्रेंड को कितने तरह से आप इनवाइट कर सकते हैं? चूंकि यू हैव 3 सर्वेंट्स, तो आप S1, S2, S3 नाम दे दें, तो फ्रेंड 1 के पास आप S1 या S2 या S3 तीनों में से किसी एक को भेज सकते हैं, और फ्रेंड 2 के पास फिर तीनों में से किसी एक। हाँ, आप चाहे तो 6 फ्रेंड के पास एक ही सर्वेंट को भेजें, S1, 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 एक चॉइस कि हम, एक चॉइस है S2, 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 दूसरा S3, 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 एक चॉइस है S1 भेजे एक फ्रेंड को और बाकी 5 के पास S2 भेज दिए। इस तरह का कितना चॉइस है? तो स्टार्ट इनवाइटिंग द फ्रेंड्स। आप सर्वेंट्स को भेजिएगा ना इनविटेशन देने के लिए। ईच फ्रेंड को कितने तरह से इनवाइट कर सकते हैं? द क्वेश्चन सेज इन हाउ मेनी वेज कैन यू इनवाइट योर फ्रेंड्स। तो ईच फ्रेंड को कितने तरीका से कर सकते हैं? 3, दूसरे को 3, तीसरे को 3। सो द आंसर इज 3×3×3×3, 3×6 इसका आंसर होगा। आज ही हम लोग समाप्त करते हैं।